देश बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार पर मोदी सरकार के खिलाफ धनबाद जिला कांग्रेस के द्वारा जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री मन्नान मलिक, जिला अध्यक्ष संतोष सिंह समेत दर्जनों कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं एक और जिला अध्यक्ष ने मोदी सरकार के तानाशाही रवैया पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जनता को बरगलाने को लेकर गैस सिलेंडर में मामूली सी कटौती कर मोदी सरकार ढिंढोरा पीट रही है। पूरा देश महंगाई और भ्रष्टाचार से त्राहिमाम कर रहा है। वहीं पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार में आम जनता बेहाल है, गरीब भूखे मर रहे हैं, महंगाई चरम पर है। चुनाव जीतने को लेकर गैस के दाम घटाने का ढोंग सरकार कर रही है। वहीं एक देश एक चुनाव के मामले में कहा कि मोदी जी सिर्फ अपनी पार्टी की जीत को लेकर संयंत्र रच रहे हैं, सभी राज्यों में एक साथ चुनाव कभी भी संभव नहीं है। देखिए, देश में जिस ढंग से महंगाई, बेरोजगारी और ये अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज धरना का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। और हम कहना चाहते हैं कि जब 800 रुपया इन 9 सालों में मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर में बढ़ाया, तब कभी नहीं कहा कि हम 800 रुपये बढ़ाएं, और उसी 800 में 200 भी घटा दिया। 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए राजनीतिक स्टंट किया, तो ऐसा छाती पीटना लग रहा, देश पर बहुत बड़ा एहसान का बोझ कर दिया। इसलिए मोदी सरकार के राजनीतिक स्टंट और लोगों को ठगने का जो काम कर रही है, समय समय में जब चुनाव आता है तो कभी डीजल में कमी, कभी पेट्रोल में कमी, कभी अन्य वस्तुओं में कमी, और जैसे चुनाव खत्म होता फिर अपने एजेंडे पर बीजेपी आ जाती है। तो इसलिए हम लोग पूरा बीजेपी सरकार के की राजनीति का स्टंट और धोखाधड़ी जो देश की जनता को के साथ छलावा कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। ये वन नेशन वन पेंशन, तो ये तो सिर्फ देश में अब ऐसा चाहता है बीजेपी ना, कि नरेंद्र मोदी जी का जो एजेंडा है, कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि देश में चुनाव ही ना हो, ऐसा व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। अभी बहुत आनंद फानंद जल्दीबाजी में ये सब किया गया है, और तुरंत लोकसभा का ही बना बुलाना और ये लोगों को ठगने काम करना, इसलिए अभी ये इस कदम का हम लोग विरोध करते हैं। काम कम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ये मोदी सरकार का 200 रुपया कम हो गया, 400 रुपये इलेक्शन के बाद बढ़ा देंगे, समझा कि नहीं? मेरा ये कहना है कि मोदी सरकार के पीरियड में जितना महंगाई बढ़ी है उतना कभी भी नहीं बढ़ी थी, बेरोजगारी बढ़ी है इतना कभी बेरोजगारी नहीं बढ़ा था, और आज देखिए कि गरीब जो है भूखे मर रहा है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, और जितना भी फैक्ट्री है, बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, उसको नेशनलाइजेशन ख़त्म कर रहा है, और उससे जो है बेरोजगारी बढ़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग धरना पर हैं, और ताकि मोदी सरकार को हटाया जाए, और मोदी सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसका इंक्वायरी होना चाहिए, इससे कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। इससे जो खर्च होते वो तो बचेगा ना, अनवांटेड पैसे जो खर्च होते हैं, जैसे कि चुनाव में खर्चा होगा उससे ज़्यादा तो महंगाई में बढ़ा देता है। चुनाव में क्या खर्चा कम होगा, क्या बतलाइए आप? अगर सभी चुनाव एक साथ होंगे तो करोड़ों रुपए की बचत होगी ना? कैसे? अरबों रुपए की बचत होगी। कैसे? कैसे बचत नहीं होगी? एक साथ चुनाव होने से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अलग अलग समय पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, विकास का काम बाधित नहीं होगा? हाँ, विकास का काम बाधित नहीं होगा, लेकिन आप देखिए इतने बड़े देश में ये पॉसिबल है? पॉसिबल है तभी तो सरकार प्रयास। पॉसिबल है कैसे? पॉसिबल है ये बतलाइए, कैसे पॉसिबल है ये बताइए। विधानसभा को गठित करना है, कुछ सरकारों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके बाद तो होगा ना? अरे सरकार को कितना कुर्बानी दीजिएगा, आदमी को घर घर में खाना नहीं मिल रहा, कुर्बानी दीजिएगा है? कोई व्यवस्था है आपके पास? व्यवस्था है तभी तो सरकार। कहाँ से आपके नाम, आपके बोलने से हो जाएगा, आपके मुँह से बोलने से हो जाएगा? अरे प्रैक्टिकल आप बात कीजिए। मोदी जी अपना जान बचा रहे हैं कि हम जो है जीत जाएंगे, समझा कि नहीं? और हम जीत जाएंगे तो मतलब कि सरकार चलाएंगे हम।